वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल यूनिक एकेडमी। आज हम आपको मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कराने वाले हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, आपको क्रम से क्लासें मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करेंगे अर्थमेटिक, और जब अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा उसके बाद पूरा सिलेबस फिर से लिखा जाएगा एडवांस का, और एडवांस में क्या क्या टॉपिक होंगे वो भी बताए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है सिलेबस में, सिंप्लीफिकेशन। हम लोग सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, बॉडमॉस का जो भी फॉर्मूला है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्या पहले आता है क्या बाद में आता है, ये पूरा बताया जाएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के में जितने भी टॉपिक हैं जैसे डिविजिबिलिटी वगैरह है, तो जो जो उसमें इसके अंदर आएंगे वो सब आपको कराए जाएंगे, ठीक है। सीरीज श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर पेपर में इसके क्वेश्चन मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में मिलेंगे, ठीक है। एलसीएम एंड एससीएफ, इसके बाद परसेंटेज का प्रयोग जो होगा वो पूरे मैथ में होगा, हर जगह कोई सा भी टॉपिक हो आपको परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट लॉस है, एवरेज आप जानते ही हैं, औसत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात, ठीक है। इससे भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिनको अपन रेशियो प्रोपोर्शन से भी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। मिक्सर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा किसी भी एग्जाम में, या तो सिंपल इंटरेस्ट का आ जाता है, और आजकल कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बहुत सारे पूछने लगे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि कितने जल्दी आप सेकंडों में इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद क्या है, एजेस, आयु वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आप मान के चलो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, एक क्वेश्चन आपको जो मिलेगा, दो भी मिल जाते हैं, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन के भी क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, और डीआई ऐसा टॉपिक है, वैसे तो डीआई बैंक और एसएससी में भी आ जाता है, बैंक और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी वो किसी और एग्जाम में सिंपल लेवल बनाकर पूछ लेता है, तो आपको डीआई में भी मैं बता दूंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। ये था हमारा पूरा सिलेबस।